गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना सीखेंगे अगर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है जेड और यहाँ लिखा हुआ है ए, इसका मतलब क्या है? जेड क्या है? आपका एटोमिक नंबर। जेड क्या है? हमारा एटोमिक नंबर। और ए क्या है? आपका मास नंबर। मास नंबर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, 8 और यहां 16 है, इसका मास नंबर, इसका मतलब ए कितना हो गया आपका 16। एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर जेड कितना हो गया? 8। उसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन ले लेते हैं तो यहां 7, 14, तो आपका मास नंबर कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर इसका बात करें तो हमारा हो जाएगा जेड और ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी। तो सबसे पहले अगर कोई चार्ज नहीं हो तब क्या करेंगे? जैसे पहला केस वन हम लोग ले लेते हैं, इफ देयर इज नो चार्ज ऑन एटम। केस वन क्या है हमारा? इफ देयर इज नो चार्ज। ठीक है, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या करना, अगर जैसे दिया हुआ है x है ना, तो इसका z और यहाँ पे तो हमारा z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और a क्या है? मास नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा? ये जेड के इक्वल होगा। अगर चार्ज है तब भी जेड के इक्वल, नहीं चार्ज है तब वो भी जेड के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाता है, ये भी जेड के इक्वल होगा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जेड के इक्वल होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। ठीक है, अगर चार्ज आएगा तो इसमें से कौन सा चेंज होगा? तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भी देखते हैं, जेड क्या था? 8, ए क्या था? 16। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा जेड के इक्वल, ये चेंज होने वाला नहीं है, 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी जेड के इक्वल होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए माइनस जेड, तो ए कितना है? 16, माइनस जेड कितना? 8, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होगा अगर कोई चार्ज नहीं है तो। अगर चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2, अगर देयर इज चार्ज ऑन एटम, केस 2 इफ देयर इज चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज हो तो, जैसे ऑक्सीजन -2 चार्ज है, तो अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज आ जाता है, तो माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तब। इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? माइनस, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का भी क्या देखे थे? 8 और 16 देखे थे। तो ऑक्सीजन के लिए ए कितना? 8, जेड कितना है हमारा? सॉरी, ए 16 है और जेड कितना है? 8। चलिए इसका लिखते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? ये जेड के इक्वल है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होना है? केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या हो जाएगा? नंबर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका हो जाएगा जितना जेड है और चार्ज कितना माइनस टू, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा जितना माइनस चार्ज है उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। दो एट प्लस टू कितना हो जाएगा टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी चेंज नहीं होने वाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा अपना ए माइनस जेड, सिक्सटीन माइनस एट इक्वल टू एट, ठीक है। तो हमारा क्या चेंज हुआ, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर निगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का, जैसे पी प्लस थ्री है तो फॉस्फोरस का कितना होता है, जेड फॉस्फोरस के लिए 15 होता है, ए कितना है 31, क्लियर है। चलिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो किसके इक्वल होगा जेड, ठीक है, कितने 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पक्का चेंज होने वाला है, तो कौन सा चार्ज है इस बार प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा घट जाएगा, तो कितना घटेगा जितना प्लस चार्ज है, तो जेड माइनस थ्री, 15 माइनस थ्री कितना हो जाएगा 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या रहेगा वही रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा अपना ए माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। ए कितना है आपका 31, ये 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखिए आप, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग CO3 2 माइनस, ठीक है। तो इसका हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। देखिए कार्बन का कितना है जेड, कार्बन के लिए जेड कितना हो जाएगा 6, कार्बन के लिए ए का वैल्यू कितना है 12, ऑक्सीजन के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन के लिए ए का वैल्यू कितना है 16, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर तीन ऑक्सीजन होगा तो ए 3 गुना कर दीजिएगा और जेड भी कितना गुना कर देना 3 गुना, ठीक है। तो हम ओवरऑल इसके लिए जेड का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 CO देखिएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो जेड कितना हो जाएगा पहले 6 प्लस के कितना 14, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्यों, हमारा ऑक्सीजन 3 है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 ऑक्सीजन है हमारा, तो आपका कितना 8 इंटू 3 कर देते हैं और इसका 16 इंटू 3 कर देते हैं 48, क्लियर है। एक के लिए कितना था 8, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 24, तो जेड टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस 24 कितना हो जाएगा 30, और एक कितना हो जाएगा टोटल 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा 60, क्लियर है। कार्बन तो अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड के इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 30, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना हो जाएगा, तो पहले तो जेड का वैल्यू लिख दीजिए। अब देखिए कौन सा चार्ज है इस पे माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऐड कर दीजिए 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा ए माइनस जेड, तो ये कितना 60 माइनस 30 तो कितना 30। तो ये क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 90 ग्राम BO4 3-। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, तो हमने बताया किसी भी नंबर का बात किया तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या करना है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे फिर देखते थे उस कंपाउंड में कितना एटम्स है, ठीक है, तो उसे क्या कर देते थे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेपरेटली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेते हैं PO4 3-, द पी के लिए कितना 15 30, ऑक्सीजन के लिए कितना 8 और 16, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, तो इसका जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, ए का वैल्यू कितना 31, इसके लिए जेड का वैल्यू लिख देते हैं 8 इंटू कितना 4 32, इसके लिए ए का वैल्यू कितना लिख देते हैं 16 इंटू 4 64, ठीक है। ओवरऑल जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 प्लस
प्लस 30 कितना हो जाएगा 734। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 31 प्लस 64 कितना हो जाएगा 595। क्लियर है, यहां तक हो गया। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, PO43 माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा जेड के इक्वल होगा तो 47। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपका, ये क्या हो जाएगा, पहले जेड को लिख दीजिए, फिर कितना चार्ज है माइनस 3 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला है, कितना 3 बढ़ने वाला है, तो 47 प्लस 3 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका हो जाएगा ए माइनस जेड, तो ए कितना है 95 माइनस जेड 47 कितना हो जाएगा 48। क्लियर है, तो यहां ये आपका निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इतने ग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो कोई भी नंबर का बात किया तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, है ना, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया था, बाय मोलर मास, मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 90 ग्राम। ठीक है, और PO43 मास का मोलर मास निकालिए, फास्फोरस का कितना होता है 31 प्लस 4 इनटू 16 तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 ग्राम कितना हो जाएगा 1/5 तो कितना 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब 0.2 मोल्स PO43 माइनस आ गया। ठीक है, इसका मतलब 0.2 Na PO43 माइनस आ गया, हमको तो 0.2 Na PO43 माइनस आया, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आया, तो एक PO43 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने Na इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बदलेगा, एक PO43 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो बताइए 50, तो इतने PO43 माइनस में कितने होंगे, तो 50 इंटू 0.2 Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना रहेगा, तो उसी तरह से एक PO43 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 47, तो इतने में कितना हो जाएगा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका हो जाएगा 48 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 Na न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहे तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। ठीक है, अगर एटम पूछा है तो उसमें देख लेंगे कितने एटम्स है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा है तो उसमें देख लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपका आयन पूछा है तो यही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 45 ग्राम NH4+। तो सिमिलर वे में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन की तरह आपको बनाना है, क्या करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए गिवन मास वाई मोलर मास से, फिर इसमें इंडिविजुअली क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल देना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, फिर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एज डब्ल्यू रह गया, आप इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे।